अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट ऑफ फोर क्लास सब्जेक्ट सोशल स्टडीज़ का यूनिट नंबर 4 फिज़िकल फीचर ऑफ पाकिस्तान में आज हम पढ़ेंगे पीपल एंड फिज़िकल फीचर ऑफ पाकिस्तान, लोग और पाकिस्तान के तबई खजोखाल, ठीक है, यानी जो फिज़िकल फीचर है पाकिस्तान, इसका लोगों पे क्या असर पड़ता है और पाकिस्तान में कौन कौन से फिज़िकल फीचर हैं जो इस मुल्क को दुनिया में एक यूनिक कंट्री की हैसियत से उभारते हैं। फिज़िकल फीचर ऑफ अ कंट्री determine its climate, storage of the mineral, fertility of soil, human settlement and plants and animal species, ठीक है। किसी भी मुल्क का जो फिज़िकल फीचर होते हैं, जो तबई खजोखाल होते हैं, वो उस मुल्क के आबो हवा का मुतय्यन करते हैं, मादनियात की इकसाम के बारे में बताते हैं, ज़मीन की ज़रखेज़ी का, इंसानी आबादकारी और जानवर और पौधों की मुख्तलिफ़ इकसाम के बारे में तयन करते हैं। फिज़िकल फीचर्स क्या हैं, हमने चैप्टर के शुरू में पढ़ा था, ठीक है। फिज़िकल फीचर हम कहते हैं ज़मीन पर वो चीज़ें जो अल्लाह ताला की तरफ से हैं, ठीक है, वो तबई चीज़ें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि पहाड़ हैं, दरिया हैं, सी एंड ओशंस हैं, डेजर्ट्स हैं, रिवर्स हैं, माउंटेन्स हैं, हिल्स हैं, वैलीज हैं, लेक, वाटर, जितनी भी बॉडीज़ हैं, वो सारी चीज़ें ये फिज़िकल फीचर्स कहलाती हैं। पाकिस्तान इज़ ब्लेस्ड विद ऑल टाइप्स ऑफ फिज़िकल फीचर, पाकिस्तान अल्लाह ताला की रहमत से तमाम फिज़िकल फीचर उसमें मौजूद है। पाकिस्तान में पाकिस्तान को खूबसूरत बनाते हैं, यानी जो रंग बिरंगी मैदान, ठीक है, दूर दूर तक फैले हुए आसमान से बातें करते हुए शानदार पहाड़, हद नज़र तक फैले हुए डेजर्ट, सहरा, इस तरह शुमाली इलाका जात में खूबसूरत वादियाँ, ये सारे पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने सारे फिज़िकल फीचर से नवाजा है। इट फर्टाइल प्लेन्स आर द मेन सोर्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शंस, पाकिस्तान के जो ज़रखेज़ मैदान हैं वो फसलों की पैदावार का अहम ज़रिया है। स्नो फॉर्म फ्रॉम द माउंटेन ट्रांसफॉर्म इनटू रिवर बाय द हीट ऑफ द सन विच फुलफिल द कंट्री वाटर नीड्स, ठीक है, पाक बर्फ से ढके हुए पहाड़ों की चोटियाँ जब सूरज की हरारत उन पर पड़ती हैं तो वो पानी, वो उनका पानी, वो जो बर्फ़ है वो पानी में तब्दील होकर दरियाओं में आ जाता है, जिससे हमारे मुल्क की पानी की ज़रूरत भी पूरी होती है, ठीक है। आपको पता है कि पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात के हमने इस चैप्टर की रीड में पाकिस्तान के 4 प्रोवेंसेस में जो जो माउंटेनियस एरियाज माउंटेन्स हैं, माउंटेन रेंज हैं, यानी कराकोरम, हिमालय और हिंदूकश, ठीक है, ये तीनों माउंटेन रेंज जो दुनिया के मशहूर पहाड़ हैं वो पाकिस्तान में मौजूद हैं। इनके जो पीक्स हैं जहाँ जो बर्फ़ से, स्नो से ढकी होती हैं, जब इन पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो पिघल कर हमारे दरियाओं में आ जाता है, जिससे हम सारा साल दरियाओं में पानी बहता रहता है और मुल्क में पानी की ज़रूरत पूरी होती रहती है। एट प्लेट्यूज आर अ ग्रेट सोर्स ऑफ मिनरल्स एंड ड्राई एंड फ्रेश फ्रूट, प्लेट्यूज सतह मुर्तफा, बुलंद हमवार सतह, ठीक है, सतह मुर्तफा कहते हैं बाकी ज़मीन से एक ऊंची जगह, ज़मीन की एक ऊंची जो मीलों मील तक दूर तक फैली होती है वो प्लेट्यूज कहलाते हैं। पाकिस्तान में 2 सतह मुर्तफा हैं, सतह मुर्तफा बलोचिस्तान और सतह मुर्तफा पोठार, ये दोनों हैं जो कि मादनियात से भरे हुए हैं। इसके अलावा इन सतह मुर्तफा में खुश्क और ताज़ा फल भी पाए जाते हैं, यानी ये मुल्क की इन दोनों ज़रूरियात को पूरा करते हैं। इट डेजर्ट्स आर होम ऑफ डाइवर्स स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, पाकिस्तान के जो सहरा हैं, ठीक है, वो मुख्तलिफ इकसाम के पौधों और जानवरों के घर हैं। पाकिस्तान में 4 बड़े डेजर्ट्स हैं, सहराए थर और थल, राजस्थान और खारान, ठीक है, ये पाकिस्तान के मशहूर डेजर्ट्स हैं। All these features make Pakistan a beautiful and spectacular place to live in. ये सारी खसूसियात जो हैं ये पाकिस्तान की खूबसूरत शानदार रहने की, पाकिस्तान को खूबसूरत बनाते हैं, शानदार बनाते हैं, ऐसी जगह जहाँ पर लोग रह सकें, ठीक है। स्टूडेंट आज हमने बुक आज हमने यूनिट नंबर 4 जी स्टूडेंट आज हमने पीपल एंड फिज़िकल फीचर ऑफ पाकिस्तान यूनिट नंबर 4 का लास्ट पैराग्राफ की रीडिंग कंप्लीट हो गई हमारी। इसके मैंने आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग बता दिए हैं, ठीक है, आपके बुक में अंडरलाइन कर दिए, आपने डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग को याद करना है, ठीक है, डिक्टेशन के लिए। एंड इस पैराग्राफ को भी आपने
याद करना है कि इस पैराग्राफ में हमने कौन कौन से डिफिकल्ट फिजिकल फीचर के बारे में पढ़ा, ठीक है। ये आपको होमवर्क है, आपने इसमें से एक दो शॉर्ट क्वेश्चन भी फाइंड आउट आपके बन सकते हैं।